हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम नरेंद्र और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां रहता हूं और बहुत सारी जानकारी रिलेटेड टू मी। ये मेरा पहला ब्लॉग है तो आई होप कि सब बढ़िया से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पे जो कि मैं रन करता हूँ NPS 3D नेम से। तो बेसिकली आई एम आर्टिस्ट, मतलब मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो 4-5 सालों से काम कर रहा है एनिमेशन के ऊपर। अगर आप मेरे आर्ट्स देखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा। बाकी ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल रहेगा जहाँ पर मैं मतलब मैं कैसे रहता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, मतलब सब कुछ, कहाँ जाता हूँ, जो भी चीज़ें, मतलब जो मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं वो शेयर करूँगा। बेसिकली मैंने ये प्लान करा है कि मैं आगे आने वाले बहुत सारे सालों तक, जब तक मैं बुढ़ा नहीं हो जाता तब तक मैं ब्लॉग बनाऊँगा। मतलब मैंने ऐसा सोचा है मैं ऐसा करूँगा। और फिर जब मान लो मैं 50 साल का हो जाऊँ, 60 साल का हो जाऊँ या फिर 100 साल का भी हो सकता हूँ, तो जब मैं 100 साल का हो जाऊँ और जब मुझे आज का दिन इंजॉय करना हो तो मैं अपनी ये वीडियो प्ले करके देख सकता हूँ कि मैं उस टाइम कैसा था, कैसे बोलता था और कैसी मेरी लाइफस्टाइल थी। तो ये मेरा मेन पर्पज़ है फॉर मेकिंग ब्लॉग्स। और इसके साथ साथ मैं आप सबको अपनी स्टोरी बता सकता हूँ, अपने साथ आप लोगों को कहीं भी ले जा सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जो मतलब बहुत अमेजिंग होगा मेरे लिए और मे बी आप सबके लिए भी वो बहुत अमेजिंग होगा। ये मेरा रूम है जहाँ पर मैं रहता हूँ, बहुत कबाड़ा सर देखोगे आप चढ़ते हो तो बिखरा पड़ा है। वो मेरा डेस्क सेटअप है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। बहुत जल्द मतलब एक और वीडियो मैं बनाऊँगा जहाँ पे मैं अपने सेटअप को फुल एक्सपोज करूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं लोगों के कि भाई आप मतलब कौन सा सेटअप यूज़ करते हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सब मैं आपको इस चैनल पर आपको बताऊँगा। तो अगर आप ऐसे मेरा रूम देखना चाहते हो तो चलो एक टूर मार देते हैं। बिखरा पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं समेटा है। बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। तो मैं रहता हूँ एक छोटे से गांव में जो कि पड़ता है गाजीपुर में। अगर आप जानते हो तो, अगर आप यूपी से हो या फिर यूपी के बाहर हो तो आपने प्रोबेबली वाराणसी का नाम जरूर सुना होगा। तो वाराणसी से अराउंड 60-70 किलोमीटर दूर है मेरा घर, यहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ पर मतलब ये गाँव है, एक टाउन बोल सकते हो आप। बहुत सारे लोग या फिर पर्सनली मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं। तो अगर आप शहर में रहते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी का कोई खास इशू नहीं होता, आपको जो भी सामान चाहिए होता है फटाफट मिल जाता है। बट अगर वहीं सेम टाइम अगर आप किसी छोटे टाउन में या छोटे गाँव में रहते हो तो वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो पहले होती है लाइट की। लाइट इतनी कटती है भाई साहब, इतनी ज़्यादा कटती है कि क्या बताएं। तो पता है मैंने लाइट के लिए क्या करा, मैंने इन्वर्टर लगवा लिया जो कि जिससे मतलब मेरा काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बट अगर जब एक्सट्रीम केसेस में जब लाइट ख़राब हो जाती है प्रॉपर, तो फिर यहाँ पे 3-4 दिन 5-5 दिन तक लाइट डिस्टर्ब रहती है और उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं बहुत जल्द कुछ सोलर पैनल्स लगवा लूँगा ताकि ऑलमोस्ट सब प्रॉब्लम्स एक ही बार ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि हमें कुछ चाहिए, जस्ट लाइक अगर मुझे कुछ माइक चाहिए, कुछ लेंसेज चाहिए या फिर कुछ छोटा सा सामान भी चाहिए, तो हर चीज़ हमारे टाउन में अवेलेबल नहीं होती है। या तो हमें शहर जाना पड़ेगा जो कि यहाँ से एक मतलब जो गाजीपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है, और जो वाराणसी है वो यहाँ से मैंने बताया जैसे 70 किलोमीटर के आसपास दूर है। तो हमें उतना ट्रैवल करके जाओ फिर वो सामान लेकर, जो कि ठीक है, मतलब मुझे ज़रूरत भी नहीं होता। बाकी अमेजोन से भी हम सब ऑर्डर कर लेते हैं और सामान आ जाता है। सबसे मेन चीज़ जो मेरे को अच्छी लगती है गांव में रहना, सबसे बड़ा चीज़ तो ये कि मेरा एक घर है, मतलब घर यहीं पे। अगर मुझे शहर में रहना पड़ेगा तो फिर वहाँ पर हर चीज़ें देखो, अरेंज करो, खाओ, बनाओ, सब चीज़ें, मतलब वो अलग ही केस है। दूसरा मुझे अच्छा लगता है क्यों वो देखना आप। एक और दोस्त है, कुछ बोलना चाहोगी? हाँ। क्या क्या बोलना चाहूंगी? हाँ। मुझे दिखाइए, अंजय को दिखा दीजिए। और ये है इनका भाई, क्या बोलना इसको तो आपने देखा होगा वीडियो में क्योंकि ये एनपीएस 3D के वीडियो में था। क्या बोलना चाहोगे अंश?
ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो कुछ बोलना चाहोगे सबको? हाँ। क्या बोला? हाँ कुछ ना, वीडियो बनाते हैं। देखिए मैं हूँ, वीडियो बना था। मैं पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं इनका बॉस बना था। अच्छा, और तो नहीं, में वो वीडियो बहुत फनी था, आपने ब्लूपर में देखा होगा, बहुत फनी था वो वीडियो। और हम लोगों ने उस वीडियो में आप लोग को अपने MP3 का बहुत सारे टी शर्ट दिखाए थे, तो आई होप आप लोग को वो टी शर्ट अच्छे लगे होंगे। ठीक है, वो बाय नहीं, इस मतलब ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल था, इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? इसके बारे में आप छाता कहाँ लाया? ये भींग रहा है छाता। हाँ, दो मिनट रुकिए, फिर लाता हूँ। छाता नहीं लाया? अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैं यहाँ ऐसे सीधे कैमरा लेके तो जा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने अंश को बोला कि वो छाता लेके आए, ताकि मैं बाहर का व्यू भी दिखा पाऊँ आप सबको। कि मतलब वो जो मैंने व्यू अभी दिखाया पीछे का, वो तो मतलब मेरे रूम के पीछे का साइड था, अभी मैं बाहर का एरिया आपको दिखाता हूँ, जो कि और भी मज़ेदार है। और एक चीज़ जो आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगी, वो है शोर शराबा, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, और मेरा जो घर है वो एकदम रोड के सामने है, तो वहाँ पर भी मतलब गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो वो भी एक अलग इशू है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। हाँ, परी क्या बोलना चाहती? बोलो। बोलना चाहती हूँ कि आपने पूरी पूरी टीशर्ट देख लिया, अच्छे तो लगे होंगे आप लोगों को ना। अच्छा, इन लोगों को बोल रही हो? तो वो तो वीडियो, वो ये लोग, ये और इसका भाई, तो ये बोलने की मतलब बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी NPSCIT के चैनल पे, जहाँ पे मैंने अपनी ऑफिशियल टी शर्ट मतलब लॉन्च करी थी, और जहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाए थे। तो ये दोनों वही बोल रहे हैं कि वो सब आपको अच्छा तो लगा ना। दादा बोलो। बोल रहा हूँ ना कि हम लोगों ने ये वीडियो इसलिए बनाया ना कि हम लोग अपना नया माइक मंगाए हैं, रोड कंपनी का, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने ये एक ब्लॉग बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये मेरा पहला ब्लॉग है, हमने रोड का माइक मंगाया था ताकि हम उसको यूज करके स्टार्ट कर पाए। दो मुझे दो, परी दो, मैं इसको ऑन कर दूंगा। हेलो हेलो ब्लॉग का भैया, देखो ये जो है ना, इसको प्रेस करो, इसको दबा दबा जोर से। नहीं कर रहा है मेरे हाथ में, एक बड़ा बड़ा पकड़ा, मैं करता हूं। इस बटन से होता है, इस दबा दबा, रुकिए इसको छोड़ो। फाइनली छाता खुल गया, अब मैं आपको दिखा सकता हूं बाहर का व्यू। बस एक मिनट में थोड़ा सा इसका जो ब्राइटनेस है वो डाउन कर लेता हूँ। ओ, गिर गई परी तुम। ऐसे ऐसे दौड़ते नहीं। क्या? मैं पैदल आ रही थी, गिर गई, ऐसे गिर गई। आप फिर तो बचाओ। मेरे भाई को बहुत शौक है पेड़ पौधों का, तो ये सब उन्होंने कर रखा है। वो भाग जाओ अंदर, भाग जाओ फटाक से, भाग जाओ। अभी का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि रिस्की भी हो सकता है, तो मेनली यही चीज़ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमेशा इतना शोर शराबा रहता है, और मेन चीज़ जो है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे रोड, तो यही रीज़न है जहाँ पे, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे शोर शराबे आप लोगों को मिल सकते हैं सुनने को। अगर आप इस साइड देखो तो मतलब गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं हमेशा, तो ये अलग ही सीन रहता है पूरा का पूरा। मैंने यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट दिखाई दी आप सबको, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। देखो, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ आप सबसे, तो हमारे यहाँ देखो गांव ऐसे ही होते हैं, आपको आई होप कि आपको आवाज़ में पे भोपू सुनाई दे रहा होगा, बट आई एम सो सॉरी, ऐसे ही होता है मतलब जहाँ पे बेसिकली मैं रहता हूँ। और बाकी फिर धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये मेरा पहला ब्लॉग शूट हो रहा है, मेरी फैमिली थोड़ी सी मतलब बड़ी है, तो मैं किसी अलग ब्लॉग में आप सबको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो मैं कौन हूँ ये बता दिया मैंने, मैं कहाँ रहता हूँ मैंने ये भी बता दिया। तीसरा, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था एनिमेशन, 12th पास आउट हुआ था तब, मतलब मेरे मन में हमेशा से ये था कि यार मेरे को एनिमेशन सीखना है। एनिमेशन के बारे में पूरी नॉलेज मेरे को थी ही नहीं,
मतलब मेन डीपली के एनिमेशन एक्चुअली होता क्या है या फिर जो भी चीज़ें, मेरे को तो बस इतना पता था कि हाँ यार जो कार्टून वगैरह होते हैं वो उनको एनिमेशन बोला जाता है। गूगल पे सर्च करा के कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं मेरे पास में जो हाँ मैं जाके सीख सकता हूँ। तो मेरे पास में जैसे कि मैंने पहले बताया वाराणसी, तो वाराणसी मेरे को एक इंस्टीट्यूट मिला जो कि मैक था, मतलब है अब तो बंद हो गया शायद, मतलब इंडिया के लेवल में मिल जाएगा बट वाराणसी में शायद बंद हो गया। तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे मैंने जब मेरी काउंसलर मैम थी रिम्पा मैम, हाँ ये चीज़ें मतलब वीएफएक्स के बारे में होती हैं, ग्रीन स्क्रीन मैंने पहली बार वहीं देखा था, तब मेरे को पता चला भाई साहब ये तो खेल है, मतलब जो हम लोग देखते थे, तब जाके मेरा भ्रम टूटा कि वो सब तो नकली है यार, वो सब तो मतलब क्रोमा पे बनता है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मेरा इंटरेस्ट और जागा, मेनली मेरा इंटरेस्ट 3D एंड VFX में था, तो मैंने गलती से एडवांस 3D का कोर्स चूज़ कर लिया। जब आफ्टर इफेक्ट का क्लास स्टार्ट हुआ तब मेरा इंटरेस्ट आफ्टर इफेक्ट में जग गया और उसके बाद मतलब जर्नी ऐसे ही बढ़ती रही। वहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स में जैसे अभिषेक सर थे, अमरेंद्र सर, सुहिना मैम, एक सोनू भैया थे, विश्वेंद्र सर भी थे, मतलब बहुत सारे टीचर्स थे जो कि बहुत अमेजिंग थे। तो सब ठीक था। जब मैं पास आउट हुआ तो उसके बाद मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि भाई तुमको जाके जॉब करनी है वगैरह। तो फिर मैंने YouTube स्टार्ट किया जो कि मेरे एक फ्रेंड निखिल ने सजेस्ट करा था मेरे को कि यार तुम अगर YouTube पे पैसे मिलते हैं मतलब काम अगर तुम अपने वीडियो पोस्ट करो तो उस टाइम मैंने YouTube ज्वाइन करा था। और वहाँ से मतलब मैंने ये सोचा था कि यार एटलीस्ट जो मैं सोरील के लिए काम प्रिपेयर कर रहा हूँ वो YouTube पर डाल सकता हूँ, तो अगर मेरी फाइल्स खो भी जाती है तो मेरा कोई इशू नहीं रहेगा। तब से मैंने स्टार्ट किया YouTube और फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा कि लोग ट्यूटोरियल डालते हैं तब मैंने ट्यूटोरियल्स भी ट्राई करे थे, और तब से लेके आज तक मैं YouTube कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, और अब मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं हो सकता है कि मिस कर रहा हूँ, तो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और ये दोनों मतलब मेरी दीदी के बच्चे हैं, छोटे से कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है इन सब के साथ। तो अभी हम वीडियो को करते हैं फिनिश और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।